नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों ये जो सर्किट ब्रेकर आप देख रहे हैं ये SCB बिल्कुल क्लोज नहीं हो रहा है। क्लोज नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि ट्रिप भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये क्यों क्लोज नहीं हो रहा है और फिर ये क्यों ट्रिप नहीं हो रहा है इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिकल वीडियो है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर का मैकेनिज्म प्रॉब्लम आ जाता है, यानी सर्किट ब्रेकर को आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म जो रहता है दोस्तों, बहुत सारा छोटा छोटा स्प्रिंग होता है और छोटा छोटा लीवर होते हैं, तो अगर उनमें से कुछ भी डिस्टर्ब हो जाए, मान लीजिए ये जो स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, कई कई बार क्या होता है स्प्रिंग टूट जाता है और मैकेनिज्म थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। कई कई बार ये प्लास्टिक का पुर्जे आपको दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक पार्ट्स ये भी टूटने का चांसेस रहता है। तो ये सारे रीजन की वजह से सर्किट ब्रेकर बिल्कुल क्लोज नहीं होता है। दोस्तों हमारे वीडियो का एक रेगुलर व्यूअर है मुकुल सैनी जी, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, वो तो हमेशा हमारे वीडियो देखा करते हैं। एक दिन उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आया, यानी उनका जो ब्रेकर है ब्रेकर बिल्कुल क्लोज नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बाय फोन कॉन्टेक्ट किया और पूछा कि सर हमारा ब्रेकर बिल्कुल भी क्लोज नहीं हो रहा है, यानी ब्रेकर क्लोज करते समय आवाज तो आ रहा है लेकिन ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे कुछ जानकारी मांगा उनका ब्रेकर के बारे में, तो उन्होंने बताया कि उनका ब्रेकर जो है वो रैकआउट नहीं हो रहा है, यानी अगर ब्रेकर का कुछ भी काम करना है तो ब्रेकर को खोल के पूरा बाहर लाना पड़ेगा। जैसे ब्रेकर में रैकिन रैकआउट हैंडल रहते हैं, उनका ब्रेकर फिक्स टाइप का था। तो मैंने उनको कुछ ट्रिक्स बताया दोस्तों, क्या ट्रिक्स बताया और फिर उन्होंने कैसे ठीक किया उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में आज दिखाऊंगा। दोस्तों उनका वीडियो भी दिखाऊंगा और ये जो ब्रेकर है ये ब्रेकर क्यों क्लोज नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में दिखाऊंगा। दोस्तों तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि मुकुल जी का प्रॉब्लम भी आपको देखना है और हमारा ये ब्रेकर का प्रॉब्लम में भी आपको दिखाना हूं। दोस्तों तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मुकुल जी का जो ब्रेकर था, उन्होंने जो मुझे ये वीडियो भेजा है, ये तो ब्रेकर स्प्रिंग चार्जिंग हो रहा है। स्प्रिंग चार्जिंग होने के बाद जैसे ही इसको ये क्लोज कर रहे हैं, ये ब्रेकर बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट क्लोज नहीं हो रहा है। दोस्तों जैसा आपने देखा, ये बोल रहे हैं कि ये वाला पार्ट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। और एक बार देख लीजिए वीडियो को, ब्रेकर स्प्रिंग चार्जिंग हो रहा है जैसे चार्ज हो गया, और दोबारा ये उसको जब क्लोज कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ब्रेकर कॉन्टैक्ट क्लोज नहीं हो रहा है। कॉन्टैक्ट का आवाज आ रहा है दोस्तों, लेकिन कॉन्टैक्ट क्लोज नहीं हो रहा है। तो मैंने दोस्तों उनका प्रॉब्लम के बारे में समझा और फिर मैंने उनको ये वाला वीडियो सेंड किया दोस्तों, जो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा ब्रेकर के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आया था। दोस्तों हमारा ब्रेकर में क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मैकेनिज्म फंस गया है, यानी उसका सही पोजीशन पे नहीं है। अगर ब्रेकर में ब्रेकर का जो मैकेनिज्म अगर वो सही पोजीशन में नहीं रहेगा, उसका स्प्रिंग अगर टूट जाएगा, लीवर 1 mm 1 mm इधर उधर हो जाएगा, तो ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, ब्रेकर बिल्कुल काम नहीं करेगा। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हमने उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला जो लीवर है, लीवर का पोजीशन उसका राइट पोजीशन पे नहीं है, वो अंदर की तरफ चला गया था। हमने क्या किया, उसको ऐसे खींच के उसको सही पोजीशन पे बिठाया। दोस्तों ये लीवर दोस्तों फ्रंट पोजीशन पे है, इसलिए हमको आसानी से पता चल गया कि ये वाला सही पोजीशन में नहीं है। तो हमने उसको खींच के उसका पोजीशन पे बैठा दिया और उसके बाद ये ब्रेकर क्लोज हो गया दोस्तों आसानी से। उसका पोजीशन में आ जाने के बाद मैकेनिज्म सही हो गया और उसके बाद ब्रेकर क्लोज हो गया। तो ज्यादातर ब्रेकर में यही होता है दोस्तों, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि उसका जितना सारा पार्ट है सही पोजीशन में है कि नहीं। फिर मुकुल जी ने अपना ब्रेकर में भी सेम इसी तरह का प्रॉब्लम फाइंड आउट किया। हमारा वीडियो देखने के बाद उन्होंने अपना ब्रेकर को खोला और वहां पे उन्होंने देखा दो चीज उन्होंने मार्क किया। एक वाला कि उनका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया है, सही पोजीशन में नहीं है, और दूसरा वाला एक प्लास्टिक का टुकड़ा जो टूट गया था। दोस्तों मुकुल सैनी जी का जितना प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। वो बहुत ही होनहार इंजीनियर है, अपने काम के ऊपर बहुत ही वफादार है। हमने तो उनको कुछ ट्रिक्स बताया लेकिन फाइनली उन्होंने अपना मेहनत से, अपना लगन से ये काम किया दोस्तों, फाइंड आउट कर लिया कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जैसे मुकुल सैनी जी ने पूछा उसी तरह आप हमें पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।